हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मैं एमजी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। जल्दी से आइए, देखिए 1400 प्लस क्वेश्चन का सामान्य विज्ञान का सेट नंबर जो है 17 आज हम लोग करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स का आपका है 1400 प्लस सामान्य विज्ञान। ये कहाँ से है, तो ये जो हमारा बुक है देख रहे हैं 1400 प्लस सामान्य विज्ञान, इसके अंदर आपका जो है टोटल आपका 50 सेट है। टोटल आपका सेट कितना है, 50 है। आज हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 17 को जो है करने वाले हैं। और इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको कहाँ पे मिल जाएगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा तो आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा, पूरा बुक का फ्री में जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आ जाइए, और हमारे बारे में सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि अगर आप नए हैं तो आपको, हम एक एडुकेटर है, अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपको मनीष कुमार रॉय का नाम से सर्च मार के आपको वहाँ पे फॉलो कर लेना है। और ऑल गोल में आपको एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल, एसएससी एग्जाम जो है नॉन टेक्निकल को जो है आपको जो है सेलेक्ट करना है, तभी जो है आप हमें फॉलो कर पाइएगा, ठीक है। और हम आपका साइंस, उसके बाद हम लोग जीके एंड जीएस वहाँ पे क्लासेस करते हैं। डेली आपका सुबह में होता है क्लास, डेली सुबह में 11 बजे, ठीक है, अनअकैडमी पे, और रात में आपका डेली 9 बजे आपका क्लास होता है। तो सभी कोई अटेंड कीजिएगा, डेली 11 बजे और रात में 9 बजे। और ये देखिए आप लोगों के लिए बहुत एक अच्छा मौका है, आपको कह सकते हैं कि आपको अनअकैडमी का 27 फरवरी को आपका एक स्कॉलरशिप टेस्ट है। अगर आप बैंक का तैयारी करते हैं तो 10 बजे दीजिएगा, एसएससी का 2 बजे, और अगर आप रेलवे का तैयारी करते हैं तो 5 बजे लाइव दीजिएगा, बिल्कुल आपका फ्री है। फ्री है, आपको काफ़ी सारा गिफ्ट मिलेगा, बहुत सारा स्कॉलरशिप मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, मोबाइल मिलेगा। अगर बस कब 27 तारीख को देना है, जब आप दीजिएगा तो आपको कोड लगा देना है, कोड लगाइएगा आप मनीष, उसके बाद गुरु, उसके बाद जो है 10 लगा देना है, मनीष गुरु 10। इसका लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, हर एक जगह टेलीग्राम में भी इसका लिंक दे देंगे। 27 तारीख को सभी कोई को देना है। चलिए, और किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, अनअकैडमी का किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्या कोड लगाइएगा, तो कोड लगाना है आपको मनीष, उसके बाद गुरु, उसके बाद जो है 10 लगा दीजिएगा, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए ये 17 नंबर सेट का आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले आपको आंसर कमेंट करना है, फिर हमारे जो है आंसर है उस पर आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है, सबसे बड़ी जो है आपका ज्ञात कोशिका कौन सा है। तो देखिए आप एकदम इसको दिमाग में छाप लीजिए कि प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जो ज्ञात कोशिका शुतुरमुर्ग अंडा है, जो आपका शुतुरमुर्ग अंडे का संपूर्ण आंतरिक भाग जो है एकल कोशिका होता है, और इसका वजन जो है 5 पाउंड तक हो सकता है, शुतुरमुर्ग का अंडा का 5 पाउंड तक। तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। ये तो आपका आ गया सबसे बड़ा जो है ज्ञात कोशिका। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी जीवित कोशिका, इसको लिख लीजिए एकदम कॉपी में, नोट डाउन करते जाइए, सबसे छोटी जो है आपका, सबसे छोटी जीवित कोशिका, जीवित कोशिका अगर आपसे पूछ दिया जाए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो माइकोप्लाज्मा। इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, सबसे छोटी, तो माइकोप्लाज्मा, माइको जो आएगा इसका, माइकोप्लाज्मा इसका आएगा। और माइकोप्लाज्मा क्या है, तो एक कोशिकीय जीव है जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते हैं। माइकोप्लाज्मा को जो है इसका ऑक्सीजन के बिना भी जो आपका जो है जीवित रह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ा जो है ज्ञात कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आइए, इसका बताइए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की वेल्डिंग करने में होता है, प्रकाश के उत्पादन में धातुओं की वेल्डिंग करने में होता है। इसका सही उत्तर क्या आएगा, आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर है, एसीटिलीन का जो है आपका, एसीटिलीन का प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की वेल्डिंग करने में आपका होता है एसीटिलीन का। एसीटिलीन आपका क्या है, एक रासायनिक यौगिक है, एक रासायनिक यौगिक है जो अल्कोहल समूह का पहला और सरल कार्बनिक यौगिक है। इसका सूत्र क्या होता है, जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, C2H2 जो होता है इसका सूत्र होता है, C2H2 जो होता है इसका सूत्र होता है। और ऑक्सैलिक अम्ल आपका जो दिया है ये आपका टमाटर में पाया जाता है, कहाँ पे ऑक्सैलिक अम्ल आपका पाया जाता है, तो टमाटर में आपका जो है ऑक्सैलिक अम्ल जो है आपका कहाँ पे, तो टमाटर में पाया जाता है। और ऑक्सैलिक अम्ल का जल्दी से सूत्र को इसका भी आप लोग नोट कर सकते हैं, C2H2O4 आएगा इसका, ठीक है। और ये जो आपका सब जो दिया हुआ है, चलिए ठीक है, इसको इतना तक ही रहने देते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलिए। और गैस एसिटिलीन में तो सभी को जान गए कि गैस का वेल्डिंग में एसिटिलीन का। अगले क्वेश्चन पे आइए, 1000 केजी द्रव्यमान की कार, 10000 केजी द्रव्यमान के ट्रक को 2 सेकंड में रोकने के लिए कितने बल की आवश्यकता होती है, यदि दोनों समान वेग से क्या है गति कर रही है, दोनों समान वेग से गति कर रही है,
सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको दो कंडीशन दिया हुआ है, तो दोनों कंडीशन को देखिए, एक यहाँ पे हम लिख दिए कार, और दूसरा आपका यहाँ पे लिख दिए ट्रक, लिख दिए ट्रक के लिए, बीच से यहाँ से इसको हम हाइफन दे दिए। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है कि कार के लिए सबसे पहले द्रव्यमान कितना दिया है, तो कार के लिए द्रव्यमान आपका 1000 kg दिया है, समय आपका तो 2 सेकंड है, ठीक है, और आपका यू कितना है इसमें, तो 5 मीटर प्रति सेकंड है, और वी यहाँ पे तो पता है, वी यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, यू आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड, और एफ आपको निकालना है, एफ आपको निकालना है। सबसे पहले कार का कंडीशन में देखिए क्या होगा, कार इक्वल टू इसका होता है एफ इक्वल टू, पहले देखिए हम इसको निकाल ही देते हैं, ए इक्वल टू सभी को जानते हैं वी माइनस यू बाई टी, वी माइनस यू बाई टी, वी आपका कितना है, तो वी आपका 0 माइनस यू कितना है 5, और बटे में आपका कितना आ जाएगा 2, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा माइनस 5/2 आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ गया। एफ इक्वल टू एम ए होता है, एम आपका कितना दिया हुआ है, तो 1000 दिया हुआ है ना, 1000 गुने कितना आ गया माइनस 5/2, आराम से इसको काटिए, 2 से कट गया आपका 500 मतलब 5/5 या 25 माइनस 2500 न्यूटन आपका इसका आ गया, कार का आ गया पहला कंडीशन। दूसरा अब ट्रक में आ गए, ट्रक का भी सेम निकालिए आपका, देखिए हम इसको डायरेक्ट करते हैं, एफ इक्वल टू एम गुने ए होता है ना, तो एम आपका कितना दिया है, तो एम आपका तो ट्रक के लिए 10000 आ गया आपका, गुना आ जाएगा गुना, देखिए वी माइनस यहाँ पे ऐसे ही सेम लिखाएगा वी माइनस यू, और बटे में टी आ जाएगा, तो 1000 गुने v माइनस यू आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 0 माइनस 5 और बटे में आपका आ गया 2, सिंपल ही है, इसको जब सॉल्व कीजिएगा आराम से इसको सॉल्व कीजिए, आपका कितना आ जाएगा माइनस 25000 न्यूटन। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान आपका कितना है, यहाँ पे आपका द्रव्यमान है 10000 है, यहाँ पे आपका द्रव्यमान कितना है 1000 है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा माइनस 25000 न्यूटन जो है आपका सही उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है माइनस 25000 न्यूटन। ठीक है, हम आपको एक और चीज बता दें, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो, बस आपको डाउट लिखना है और क्वेश्चन नंबर 3 लिख दीजिएगा, हम आपका दोबारा जो है बोले थे आपका कि हम दोबारा आपका 500 सेट का जो है हम आपका दोबारा सॉल्व करवाएंगे, लाइव डाउट सेशन करवा के कराएंगे, ठीक है, डिजिटल बोर्ड पर लाइव रहेंगे, इसका बताइए इसका आंसर जल्दी से बताइए। किसी बंदूक में 0.06 ग्राम की कोई जो है आपका क्या दिया हुआ है, कोई गोली 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है, यदि बंदूक 20 सेंटीमीटर के वेग से पीछे हटती है तो इसका द्रव्यमान निकालिए जल्दी से, इसका द्रव्यमान निकालना है। देखिए हम लोग सिंपली जानते हैं एक चीज कि एम गुने वी इक्वल टू माइनस एम गुने वी, पता है सभी को, तो देखिए एम तो आ गया आपका, ये आपका बंदूक के लिए एम गुने यहाँ पे देखिए अब कितना दिया है 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड जो दिया है आपका कैपिटल V है 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड जो दिया है, इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में तो क्या करना पड़ेगा, बस 100 से आप अच्छा 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है ना, बस इसको क्या करना पड़ेगा, बस इसको आपको 20 और बटे में आप क्या कर दीजिए 100 से इसको बस आप भाग दे दीजिए, 100 से बस इसको आप भाग दे दीजिए। जैसे हम लोग इसको 100 से भाग दे देंगे, देखिए जैसे इसको आप 100 से भाग दे दीजिए कितना आ जाएगा इसका, यह आ जाएगा 0.2 मीटर प्रति सेकंड, और ये आपका क्या है बंदूक का वेग है, तो वेग में आपका क्या आ जाएगा इसका अपोजिट डायरेक्शन के चलते नेगेटिव आएगा, तो आपका माइनस 0.2 आ गया, ठीक है, और m आपका यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो अब तो क्लियर है कि m आपका ये तो माइनस के लिए माइनस 0.6 kg गुने आपका कितना है 40 मीटर, ये आपका गोली वाला है 40 आ गया आपका, सिंपली इसको सॉल्व कीजिए कैपिटल M बराबर कितना आ गया, तो 6/4 = 24 मतलब 2.4 और बटे में आपका आ जाएगा 2.4 और बटे में आपका कितना आ गया तो माइनस 0.2 और अच्छा ये तो आपका पूरा प्लस ही आ जाएगा ना प्लस 0.2, इसको सॉल्व कीजिए आपका सिंपली कितना आ जाएगा 12 kg। जरा सा भी डाउट होगा आपको हम पहले ही बता, आंसर आपका आ जाएगा 12 kg, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। इस फॉर्मूला को बस अब दिमाग में छाप लीजिए, कह रहे थे जो लोग बहुत इजी है, देखिए आपके सामने हमेशा जो है आपका क्वेश्चन का लेवल जो है चेंज होते रहेगा। आंसर क्या आ गया आपका 12 kg आ गया। डाउट होगा बस आपको डाउट लिखना है, और वीडियो के आपका जब कमेंट का वहाँ पे है 4 नंबर क्वेश्चन लिख दीजिएगा, हम आपका दोबारा जो है डाउट सेशन चला के 500 सेट सॉल्व कराएंगे। अगले क्वेश्चन पे आइए,
एक ट्रक जो है विरामा अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यदि 20 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय करता, इसका त्वरण ज्ञात करें। अगर इस द्रव्यमान 7 मीट्रिक टन है तो इस पर लगने वाला बल की गणना करना है आपका। एक मीट्रिक टन, देखिए ये सब क्वेश्चन का आप लेवल को देखिए और उसके बाद समझिए कि आपको कैसे करना है। सिंपली आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, एस इक्वल टू यू टी उसके बाद प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी, क्योंकि हमको क्या निकालना है, बल निकालना है, एफ इक्वल टू एम ए होता है ना बल के लिए, लेकिन सबसे पहले एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस आपका कितना दिया है, दूरी आपका 400। यू और टी में आपको सभी को पता है कि यू यहाँ पे जीरो हो गया, जैसे यू जीरो हो गया तो आपका पूरा जीरो हो गया, प्लस हाफ तो आ गया आपका, ए आपको हमको यहाँ से निकाल लेंगे, और यहाँ पे आपका टी कितना है तो 20 सेकंड, टी आपका कितना है तो 20 सेकंड है ना, टी आपका 20 का स्क्वायर, एकदम सॉल्व कीजिए, 20 का स्क्वायर आ जाएगा मतलब 400 आ गया, 400 को 200 से भाग देंगे मतलब आपका कितना आ गया, तो 400 को 2 से भाग दे देंगे तो आपका 200 आ गया, मतलब ए इक्वल टू कितना आ गया, सिंपल इसको आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, ए इक्वल टू यहाँ से आपका कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका आ गया, ए आ गया, ठीक है, ए आपका आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और आपका एफ इक्वल टू क्या होता है, एम गुने ए, एम आपका कितना है, एम आपका दिया है 7 मीट्रिक टन, द्रव्यमान आपका कितना दिया, एम इक्वल टू 7 मीट्रिक टन, 7 को जब 1000 से गुना कर दीजिएगा तो केजी आ जाएगा, तो 7000 केजी आपका आ जाएगा, क्लियर है, जल्दी से देखिए, तो आपका यहाँ पे एफ इक्वल टू एम ए आ गया, मतलब 7000 है ना आपका, 7000 और गुने ए कितना है 2, आपका कितना आ गया 14000 न्यूटन आ गया आंसर, 14000 न्यूटन आंसर आ गया। क्वेश्चन को देखिए लेवल और समझिए, 14000 न्यूटन आपका जो है आंसर आ गया। जहां भी डाउट आएगा एकदम कमेंट करना है, हम आपको बताए थे, अगले क्वेश्चन पे चले हम लोग। चलिए इसके बताइए, 5 kg द्रव्यमान वाली वस्तु 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है, यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है, यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए, 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग आपको निकालना है, वस्तु का अंतिम वेग। सबसे पहले तो आप यहाँ पे त्वरण निकालिए, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, v आपका यहाँ पे कितना दिया है, v आपका यहाँ पे है 7 मीटर प्रति सेकंड, आपका 7 मीटर प्रति सेकंड, और आपका u यहाँ पे कितना दिया हुआ है, देखिए u आपका दिया है 3 मीटर प्रति सेकंड, u आपका है 3 मीटर प्रति सेकंड, t आपका कितना है तो t आपका है 2 सेकंड, बस इसको पुट कर दीजिए, v माइनस यू बाई टी, 7 माइनस 3 और बटे में क्या है 2, 7 में से 3 4/2 2 आ जाएगा आपका 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से देखिए 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आएगा एफ इक्वल टू एम गुने ए, एम गुने ए, एम आपका कितना दिया है तो 5 kg दिया है, एक एक स्टेप को समझिएगा, 5 और आपका ए कितना आ गया, 5 × 10 न्यूटन आपका, यहाँ तक तो क्लियर, 10 न्यूटन आ गया, ठीक है। अब जो है यदि इस बल को जो है 5 सेकंड तक लगाया जाए तो प्रारंभिक वेग आपका कितना आ जाएगा, u आपका कितना है तो 3 है, और अंतिम वेग आपको क्या करना है, निकालना है, 3 है और अंतिम वेग आपको क्या करना है तो निकालना है, बस सिंपली आप इसको निकाल दीजिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी अंतिम वेग निकालना है, तो v इक्वल टू यू आपका कितना है 3 और a आपका कितना है 2 और t आपका कितना है तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है 5 सेकंड अब हो जाएगा ना, देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, t इक्वल टू अब तो 5 सेकंड आ जाएगा ना, तो आपका 5 आ गया, 5 × 10 = 13, 10 × 13 जो आएगा आपका मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन को अब समझने में मजा आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है, 13 मीटर प्रति सेकंड, जो लोग कह रहे थे ये सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन और पूरा समझना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, पूरा समझना है, डाउट होगा डाउट लिखिए, क्वेश्चन नंबर लिखिए, हम बोले आपका 500 सेट का हम आपका डाउट सेशन करवाएंगे, मतलब करवाएंगे। पानी का घनत्व जो है डैश पर सर्वाधिक होता है, 7 नंबर का आंसर बताइए जल्दी से क्या आएगा, पानी का घनत्व जो है डैश पर सर्वाधिक होता है, इसका आंसर क्या आएगा, 7 नंबर का जल्दी से, आपका ऑप्शन नंबर सी जो आएगा आपका सही उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर सी जो आएगा आपका सही उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो है सर्वाधिक होता है। अच्छा इसको देखिए आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन आता है, 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को कहा जाता है परम शून्य तापमान।
क्या कहा जाता है, परम शून्य तापमान जो है इसी को कहते हैं, ठीक है। और अगर 0 डिग्री केल्विन या 0 केल्विन या फिर 273 जो है आपका डिग्री सेल्सियस जो आपका ये जो है ये संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है। अगर आपसे संसार का सबसे न्यूनतम तापमान पूछा जाए तो 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस सबसे न्यूनतम तापमान। अगले क्वेश्चन पे आइए, बताइए उस वस्तु का द्रव्यमान याद करें, उस वस्तु का आपको क्या निकालना है, द्रव्यमान ज्ञात करें जिसे 650 न्यूटन का बल लगाने पर 35 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें जरा सा कुछ भी आपको नहीं, सिंपली आप जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। एम इक्वल टू क्या आएगा, आपको क्या निकालना है, उस वस्तु का द्रव्यमान निकालना है, एम इक्वल टू एफ बाई ए। एफ आपका कितना दिया है 625, त्वरण आपका कितना है, त्वरण आपका है 35। इसको बस सॉल्व कर दीजिए, आपका 5 5 जो कट जाएगा और आपका फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 1 जो 5 2 जो 10 फिर 20, 125/5 आपका कितना आ जाएगा, इसको काटना है ना 5 7 बार में आएगा ना 125/7, 125/7 को जब कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 17.86 kg। आपका आंसर आ गया 17.86 kg जो है आपका द्रव्यमान आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगले क्वेश्चन पे जल्दी से आइए और इसका बताइए। एक जो है आपको बताना है, एक 10 केजी द्रव्यमान की घंटी जो है 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरी, इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग का मान की गणना करें, परिकलन में सरलता हेतु नीचे की ओर क्या है आपका दृश्य त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड आपको लेना है। सिंपली आप इसको जो है एकदम सॉल्व कीजिए, धीरे धीरे ये सब क्वेश्चन का आपको अब थोड़ा सा अंदाजा लग रहा होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आपको एस दे दिया है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर इसको आपको मीटर में बदलना है, मतलब 80/100 कर देंगे, मतलब 0.8 मीटर तो आपका आ गया, 0.8 मीटर आ गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग वी निकाल सकते हैं, सिंपली देखिए वी हम लोग यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं कि आपका क्या होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, सभी को पता है वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, यू यहाँ पे कितना है, देखिए यू यहाँ पे आपका 0 मीटर प्रति सेकंड है, प्रारंभिक वेग कितना है 0 मीटर, 0 प्लस 2 गुने आपका कितना आ जाएगा, ए यहाँ पे कितना दिया है तो बोल दिया गया है 10 मीटर तो 10 ले लिए। आपका एस कितना आया है तो एस आपका है 0.8, आराम से इसको सॉल्व करेंगे, वी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए आपका, अच्छा आगे 8 दुनी 16, मतलब 16 आ गया, यहाँ से v आपका कितना आ गया, अंडर रूट में आ जाएगा 16, मतलब 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड। और संवेग बराबर क्या होता है, मोमेंटम बराबर मास गुने वेलोसिटी, मास गुने वेलोसिटी, मास आपका यहाँ पे कितना दिया है, एक एक चीज को समझिएगा, 10 kg आपका दिया है, 10 kg, और वेग आपका कितना आ गया, 4 आ गया आपका। सिंपली अब इसको आराम से सॉल्व कर दीजिए, 10 × 4 = 40 kg मीटर प्रति सेकंड, आंसर आ गया आपका 40, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, 40 kg मीटर प्रति सेकंड। सभी को क्लियर है, एकदम आगे बढ़े हम लोग, एकदम क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। इसको देखिए, किसी बिंदु के गिर्द जो है 5 न्यूटन का बल, 5 न्यूटन का आघूर्ण 2 न्यूटन मीटर है, उस बिंदु से बल की क्रिया रेखा की ज्ञात करें, बल का जो है आपको क्रिया रेखा का आपको ज्ञात करना है। सिंपली आप लोग इस चीज को जान जाइए कि बल का आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, बल का आपको अगर पूछा जाए कि आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है तो आपका होता है F गुने R, ठीक है। और बल का आघूर्ण आपका कितना दिया है 2 न्यूटन मीटर, ये वाला जो आपका है 2 न्यूटन मीटर इक्वल टू F, आपको यहाँ पे क्या करना है, F आपको यहाँ पे कितना दिया है 5 न्यूटन, और आपको क्या करना है R यहाँ पे निकालना है, सिंपली R इक्वल टू 2/5, 2/5 कर दीजिए कितना आ जाएगा 2/0.4 मीटर आपका आंसर आ गया, सिंपल है 0.4, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। क्लियर होगा सभी का, यहां तक तो सभी का क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आइए, इसका बताइए क्या है। मैग्नेटाइट डैश का एक अयस्क खनिज है, मैग्नेटाइट डैश का एक अयस्क खनिज है, किसका है आपका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी आयरन का जो है आपका खनिज है, आयरन का आपका क्या है मैग्नेटाइट, ठीक है। और मैग्नेटाइट का आपका सूत्र क्या होता है, तो मैग्नेटाइट का आपका सूत्र होता है Fe2O4। आगे बढ़े हम लोग या फिर और भी देखना है, देखिए जो लीड है आपका इसका आपका अयस्क क्या है आपका, तो गैलेना, पहला तो आपका आ जाएगा गैलेना, पहला आपका आएगा गैलेना,
लीड का, ठीक है, इसको पीबीएस कहते हैं। और दूसरा आपका आ जाएगा सीरूसाइट, पीबीसीओ3 आ जाएगा। क्रोमियम का जो अयस्क है आपका क्या है, क्रोमियम का तो क्रोमाइट है, क्रोमाइट है आपका, क्रोमियम का क्रोमाइट, फॉर्मूला FeOCr2O3, ठीक है। और आपका तीसरा क्या हो गया, तो आपका आयरन का जो हो गया आपका हेमाटाइट, आयरन का हेमाटाइट, उसके बाद सीरेराइट आ गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से वायवीय तथा अवायवीय श्वसन के बीच में कौन सा अंतर सही नहीं है, कौन सा अंतर जो है आपको बताना है इसमें सही नहीं है। देखिए, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस, ऑक्सीजन का प्रेजेंस, और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, मतलब -O2। आपका पहला तो सही है, वायवीय श्वसन में आपका पाइरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में खंडित होता है, ऐसा कहाँ है आपका, अवायवीय श्वसन में पाइरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में अखंडित होता है, आपका ये गलत है। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मोचित होती है और वायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मोचित होती है, सही है। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वायु श्वसन यीस्ट में होता है, तो आपका ये भी सही है कि वायु श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया और वायु श्वसन यीस्ट में होता है, ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो आपका गलत बताना है ना इसमें, कौन सा अंतर सही नहीं है, तो आपका सही नहीं है ऑप्शन नंबर बी जो आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपका सही उत्तर आएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, इसका बताइए। निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशा कौन सा है, मानव निर्मित रेशा अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है, सही उत्तर मानव निर्मित, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर है, मानव निर्मित आपका रेशा है। कपास हो गया, ऊन हो गया और रेशम, ये सब क्या है, तो ये सब आपका प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, किससे प्राप्त किए जाते हैं, तो प्राकृतिक प्राकृतिक जो है आपके स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, कपास, ऊन और रेशम। और कपास जो है सेलुलोज का बना होता है, अगर आपसे पूछा जाए कभी भी कि कपास किससे बना होता है, तो कपास आपका जो है सेलुलोज से आपका जो है कपास बना होता है। और नायलॉन का निर्माण कब, नायलन का जो निर्माण है 1935 ईस्वी में हुआ था, नायलन का निर्माण 1935 1935 देख लीजिए ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगले क्वेश्चन में बताइए इसका। सोडियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है आपको बताना है, कौन सा कथन जो है सोडियम के संदर्भ में सही नहीं है, मतलब आपको सिंपली यहाँ पे गलत बता दीजिए, देखिए और बताइए इसका सही उत्तर क्या आएगा। तो चलिए पहले चारों ऑप्शन को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। सोडियम ऑक्सीजन तथा जल से तीव्र अभिक्रिया करता है, तो यह तो आपका बिल्कुल भी सही है, जब सोडियम जल तथा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये भी सही है, इससे मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है, ये भी सही है, यह एक अधातु है, सोडियम क्या आपका एक अधातु है, सोडियम आपका क्या है अधातु नहीं है, ये आपका गलत दिया है, सोडियम आपका धातु है, सोडियम आपका धातु है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर आएगा, ये आपका गलत दिया है, सोडियम आपका क्या है तो धातु है, और सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। सोडियम का परमाणु संख्या सभी को तो पता है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 11 होता है। अगले क्वेश्चन में चले हम लोग, चलिए इस पे आइए। प्रकाश संश्लेषण स्वपोषण जीवों की निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकताओं को पूरा करता है, कौन सी आवश्यकताओं को जो है आपका पूरा करता है बताइए इसका। कार्बन, जल, ऊर्जा, क्या आएगा, केवल वन, केवल टू, केवल एक और तीन, और केवल एक दो तीन, सभी 15 नंबर का आपका सही उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो आएगा एक और तीन। प्रकाश संश्लेषण जो है स्वपोषण जीवों में से आपका जो है आपका एक तो कार्बन का और ऊर्जा का जो है आवश्यकताओं को पूरा करता है, कार्बन एक आपका कार्बन और दूसरा आपका एनर्जी, कार्बन और ऊर्जा का जो है आवश्यकताओं को पूरा करता है। अगले क्वेश्चन पे आइए, इसका बताइए। परमाणु जो है आपका परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, उपर्युक्त दोनों पर, उपर्युक्त किसी पर भी नहीं, उपर्युक्त किसी पर भी नहीं, परमाणु बम का सिद्धांत जो है आधारित है, नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, उपर्युक्त दोनों पर, उपर्युक्त किसी पर भी नहीं, 16 नंबर का जल्दी से बताइए आंसर किस पे है आपका, 16 का सही उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो आएगा आपका सही उत्तर आएगा, नाभिकीय विखंडन पर, 16 नंबर का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन पर, ठीक है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आपका आधारित है, और आप यहां से आप लोग जान सकते हैं कि हाइड्रोजन बम का जो निर्माण है आपका अयंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, परमाणु का तो आपका हो गया नाभिकीय, ठीक है, और हाइड्रोजन बम का अनियंत्रित अनियंत्रित जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है,
अगले क्वेश्चन में हम लोग चले। चलिए, और नाभिकीय जो आपका संलयन जो यहाँ पे दिया हुआ है, नाभिकीय संलयन जो दिया हुआ है, सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है आपका नाभिकीय संलयन? देखिए, सूर्य और तारों का जो ऊर्जा का स्रोत आपका क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। सूर्य में नाभिकीय संलयन का जो आपका स्रोत ईंधन क्या है आपका, तो हाइड्रोजन है। और सूर्य में नाभिकीय संलयन का आपका उत्पाद क्या है, तो हीलियम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए, इसका बताइए जल्दी से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, इसको ध्यान से देखिए, शायद इसमें ऑप्शन थोड़ा सा बाई मिस्टेक यहाँ पे गलत दिया गया है, करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। 17 नंबर का देखिए और इसको बताइए। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का क्या होता है, CaSO4.5H2O। इसका आपका अकॉर्डिंग टू, देखिए इसका आपका बस कुछ नहीं, ये आपका जो 2 है यहाँ पे हाफ लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर आ जाएगा। सी को बस टाइपिंग थोड़ा सा मे बी मिस्टेक होगा, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। देखिए, CaSO4.5H2O जो आया, इसमें अगर 1.5H2O अगर हम लोग मिला देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, CaSO4.2H2O। यही जो है आपका, ये आपका क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये आपका क्या है, H2O है, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो जिप्सम हो जाएगा। सभी कोई नाम सुने हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए और देखिए इसका बताइए। 20 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर आपको क्या है, 120 न्यूटन का बल लगता है, 120 न्यूटन का जो है बल लगता है। 18 नंबर का देखिए और इसका बताइए जल्दी से, सॉल्व कीजिए, एकदम ट्राई कीजिए। देखिए, सिंपली आपको क्या करना है, तो उत्पन्न त्वरण की गणना करना है। सभी को पता है F=ma फॉर्मूला होता है, और A=क्या हो जाएगा आपका, F/m हो जाएगा, A=F/m हो जाएगा। F आपका कितना दिया है, 120, और बटे में m कितना आएगा, 20। सिंपली काट दीजिए, 6 m/s². ऑप्शन नंबर सही उत्तर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए जो आएगा, ऑप्शन नंबर बी ना आया है आपका, 6 m/s². 18 का आपका क्या आ गया, 6 m/s². कहीं भी आपको डाउट हो, हम बार बार बोल रहे हैं, डाउट हो क्वेश्चन में, जैसे 18 में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 18 कमेंट कर दीजिए, हम आपका लाइव डाउट सेशन भी करवाएंगे 500 सेट का, डिजिटल बोर्ड के सामने लाइव खड़े होकर करवाएंगे। चलिए, अब बार बार आप लोग का एक दो कमेंट आता है कि अभी क्यों नहीं करा रहे भैया, वो हमारा डिजिटल बोर्ड नहीं है, काफी पेमेंट देना पड़ता है उस डिजिटल बोर्ड के लिए। एक कण का संवेग जो है 400 kg/s है, यह 20 m/s के वेग से जा रहा है, तो इसका द्रव्यमान निकालें, इसका आपको क्या करना है, द्रव्यमान निकालना है। देखिए, सभी को जानते हैं संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है, और यहाँ पे आपको जो जो दिया गया उसी से, तो द्रव्यमान बराबर क्या आ जाएगा, संवेग बाई वेग आ जाएगा। संवेग आपका कितना दिया है, संवेग आपका देख लीजिए, हम यहाँ लिख दे रहे हैं 400 kg/s जो है, और आपका m/s आएगा ना, और ये आपका क्या, वेग आपका कितना दिया है, तो 20 m/s, तो 400 और बटे में आ गया 20। इससे सिंपल क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, देखिए 20 आ गया आपका kg आंसर, 20 kg आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, 20 kg आपका आंसर आ गया। ये सब क्वेश्चन आशा करते हैं सभी को एकदम क्लियरली तरीका से समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, इसका बताइए आंसर 20 नंबर का। देखिए, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एक जो है मशीन गन का द्रव्यमान आपका कितना है, 30 kg। मशीन गन 35 ग्राम की गोलियों से 400 m/s के वेग से प्रति मिनट 400 गोलियां दागता है, तो मशीन गन को अपनी स्थिति में बनाए रखने के लिए आवश्यकता बल की गणना करना है आपको। बल के लिए बस आप इस फॉर्मूला को आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए, F=N है। N क्या है हम आपको समझा देते हैं, पहले आप इसको बस नोट डाउन कर लीजिए। N आप पकड़ सकते हैं कि 1 सेकंड में दागी गई गोली जो है आपका N है, तो N=आपका क्या, एक गोली में संवेग में परिवर्तन, जैसे एक गोली में आपका संवेग में परिवर्तन, संवेग में एकदम जैसे कहने, बस इस फॉर्मूला को दिमाग में छाप लीजिए, एक गोली में संवेग में परिवर्तन और बटे में आपका क्या आ जाएगा, समय, बटे में आपका समय। अब यहाँ पे समझिए आप लोग कि N क्या है, तो N है आपका 1 सेकंड में दागी गई गोली, तो आपका 400 गोली दागता है, और यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, देखिए 400 गोली तो आपका यहाँ पे आ गया, पहले हम एक एक करके इसको लिख देते हैं, तो 400 बटे में आ जाएगा आपका 60, क्योंकि 1 मिनट में है ना, 1 मिनट में यहाँ पे देखिए प्रति मिनट का बात किया गया है, तो 400 बटे में आ जाएगा 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 सेकंड, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20/3 आ गया 20/3, तो हम यहाँ बैठा दिए,
संवेग में परिवर्तन, संवेग बराबर क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू मास गुने वेलोसिटी। मास आपका कितना दिया हुआ है, मास आपका यहाँ पे दिया हुआ है आपका 35 ग्राम आपका दिया गया है। 35 ग्राम को केजी में बदलिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.035 गुने आपका क्या है, वेग आपका कितना है 400, वेग आपका है 400, 0.035 आपका 400 और बटे में आपका समय कितना है, तो समय आपका 1 सेकेंड। समय आपका कितना है, तो समय आपका है 1 सेकेंड। ठीक है, इसको आराम से सॉल्व कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद देखिए, ट्राई कीजिए और एकदम देखिए आपका आंसर कितना है, 93.3 न्यूटन जो है आपका आंसर आएगा। अब देखिए ये वाला आपको शायद नहीं समझ में आया कि m इक्वल टू, देखिए आपका 35 ग्राम दिया है ना, बस इसको 35 को इसमें 1000 से कर दीजिएगा भाग तो केजी में आ जाएगा 0.035 केजी का द्रव्यमान आ गया, बस बैठा दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 93.3 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगले क्वेश्चन पे, एक कार 108 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है और ब्रेक लगने के बाद यह रुकने पर 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 100 केजी है, कुल द्रव्यमान आपका जो कितना है तो 100 केजी है। सिंपली आपका एक तो 108 दिया है, U इक्वल टू 108 किलोमीटर प्रति आवर को सबसे पहले चेंज कीजिए, तो 108 तो आ गया आपका 5/18, 5/18 कर देंगे, इसको सॉल्व कीजिए आराम से, कितना आ जाएगा तो आपका 18, और इसको जैसे आप कीजिए, ये कितना है आपका 5/18 है ना, 5/18 तो 18 छः बार में 6 × 5 = 30, 30 मीटर प्रति सेकंड। U तो अब आपका आ गया 30 मीटर प्रति सेकंड, V आपका है 0 मीटर प्रति सेकंड, V आपका जो अंतिम वेग है 0 मीटर, T है यहाँ पे आपका 4 सेकंड, सब आपका दिया हुआ है, T आपका 4 सेकंड दिया हुआ है, और सिंपली बस आपको क्या करना है, पुट कर देना है। F इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, F इक्वल टू m गुने a, m आपका है m और v माइनस u और बटे में t, m आपका कितना दिया गया है, तो m तो आपका दिया गया है यहाँ पे, m आपका कितना दिया गया है, ठीक से देखिए क्वेश्चन को, m आपका यहाँ पे होगा 1000 होगा ना, m आपका यहाँ पे जरा सा टाइपिंग मिस्टेक है क्या, देख लेते हैं एक बार क्या दिया हुआ इसका सही से, अच्छा 100 ही लेके देखते हैं, m आपका यहाँ पे 100 है गुने में v माइनस u बाई t, v तो आपका आ गया 0 0 - 30 और बटे में आपका t कितना है, तो t आपका है 4, t आपका है 4। ठीक है, तो एक तो है कि आपका आराम से कट गया, तो देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, तो 30/4, 4 से 25 और 25 × 30 = 7500, यहाँ पे आप 1000 कर लीजिएगा, 1000 केजी आएगा, 7500 न्यूटन आपका जो है सही उत्तर आ जाएगा, 7500 न्यूटन 1000 केजी आएगा, इसको जरा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये आपका रहेगा 1000 केजी, द्रव्यमान आपका 1000, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर, क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आइए, हम आपको पहले ही बोले कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो एकदम डाउट लिखिए और कमेंट छाप दीजिए, इस ये वाला जो आपका 17 नंबर सेट है इसमें अच्छे लोगों को डाउट आएगा। एक सामान्य शुल्क जो है सेल में विद्युत अपघट होता है, क्या होता है आपका इसका, क्या आ जाएगा इसका सही उत्तर, सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी अमोनियम क्लोराइड। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत जो है अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड होता है, ठीक है अमोनियम क्लोराइड। और ये जो जस्ता दिया गया है, जस्ता आपका राजस्थान जस्ता खनन के लिए प्रसिद्ध है, देखिए पूरा आपका थोड़ा सा जीके भी आपका अब ठीक होगा, राजस्थान जो है आपका जस्ता खनन के लिए आपका प्रसिद्ध है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, तो इसका तो सभी को जानते हैं H2SO4, इसी को ऑयल ऑफ विट्रल भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है ऑयल ऑफ विट्रल, सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है ऑयल ऑफ विट्रल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए, अच्छा अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला अगर आपको जानना है तो आप लोग देख लीजिए, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl इसका बताइए। डायनमो जो है आपका, डायनमो आपका क्या है, डायनमो आपका क्या है, 23 नंबर का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, डायनमो आपका क्या है, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, 23 नंबर का देखिए आंसर क्या आएगा, डायनमो
आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर आएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। यांत्रिक ऊर्जा क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को ही मैकेनिकल एनर्जी, जिसके अंदर आपका स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा दोनों को मिला दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, दोनों को मिला दीजिएगा तो आपका आएगा यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा आपका आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे इसका उल्टा आ जाए, जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसका बस उल्टा आ जाए आपका, उल्टा उल्टा आ जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर। अगले क्वेश्चन पे आइए, इसके बताइए, आकाश नीला लगता है क्योंकि, आकाश नीला क्यों लगता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है, इसी के कारण है आपका आकाश जो है नीला लगता है। लघु तरंग जो है आपका दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है, इसीलिए आकाश आपका नीला लगता है। और ये क्वेश्चन देखिए, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाए, प्रकाशमापी, तो प्रकाशमापी तो आपका नहीं होगा, प्रकाशमापी भी नहीं, उत्तापमापी भी नहीं, शुष्क द्रवमापी भी नहीं, तनावमापी आपका सही उत्तर आ जाएगा, तनावमापी आपका जो है सही उत्तर आ जाएगा। कि मृदा में जल तनाव मापने के लिए, जल का जो तनाव को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो तनावमापी जो है कहा जाता है, तनावमापी, ठीक है। हम आपको पहले ही बता दें, यहाँ पे हम लोग का जो है, आपको पता है टोटल हम लोग का 50 सेट है, 17 नंबर सेट जो है हम लोग का यहाँ पे समाप्त हुआ, सेट 18 जो है अगला क्लास में। अब आपका डेली सेट आएगा, इसके लिए बिल्कुल भी नहीं घबराना है, 500 सेट हम आपको सॉल्व कराएंगे। पीडीएफ के लिए इस नंबर पे जो है आपको बस व्हाट्सअप कर दीजिएगा या फिर टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, आपको पीडीएफ कंप्लीट बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लगातार मेहनत करते रहिए, डाउट आए एकदम कमेंट करते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।